जम्मू कश्मीर में नए वोटरों के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद से ही सियासी बवाल शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में नए वोटरों के लिए जिला चुनाव कार्यालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है, जिसके मुताबिक जम्मू जिले में जो भी शख्स एक साल से अधिक समय से रह रहा है वो अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा सकता है। अधिसूचना में कहा गया है कि नए वोटर बनाने के लिए जरूरी कागजात, मसलन पिछले एक साल का गैस, बिजली और पानी कनेक्शन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक और जमीन के कागजात से अपना नाम पंजीकृत करवाया जा सकता है। हालांकि गैर स्थानीय लोगों को मतदान के अधिकार के लिए मात्र एक साल का मापदंड फिक्स करने के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा के कविंदर गुप्ता ने कहा कि विपक्षी दलों ने इस पर बहुत बयान दिए हैं कि बीजेपी बाहर के लोगों को जोड़ना चाहती है। ये बाहरी लोगों के बारे में नहीं है, जो कानून पूरे भारत के लिए है वही जम्मू कश्मीर के लिए भी है। केंद्र सरकार की ओर से किसी व्यक्ति या सुरक्षा बल को राज्य सरकार के पास भेजा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को याद रखना चाहिए कि अब यहाँ आर्टिकल 370 मौजूद नहीं है। बीजेपी पहले भी जीत चुकी है, वोटों में थोड़ी बढ़ोतरी ज्यादा मायने नहीं रखेगी। विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है और खराब माहौल बनाना चाहता है। विपक्ष नेताओं ने कहा कि इस आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए, मतदाता की सही व्याख्या की जाए। बता दें कि जम्मू चुनाव कार्यालय द्वारा जारी आदेश का मतलब है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति एक साल से ज्यादा समय से जम्मू में रह रहा है तो उसे वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। तो अब देखना होगा कि इस आदेश के बाद, इस अधिसूचना के बाद आखिर जम्मू की सियासत में क्या रंग देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।